साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन जाने की तैयारी में रात ही रात का वक्त, सुभाष चंद्र बोस की तैयारी का खुड़का सुन करके भाभी से रहा नहीं गया और नेताजी के कमरे में आकर के पूछने लगी। आइए, क्या पूछने लगी? देवर जी, भाभी, ये आपने रात के वक्त कहां जाने की तैयारी की है? मैं अपने देश से कुछ दूर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ तो मैं इन बातों से क्या मतलब, तुम अपना सो जाइए। मेरा देवर कहीं बाहर जा रहा है और मैं सो जाऊं? हाँ, जा रहे हो तो हंसते हंसते जाओ, लेकिन ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों जा रहे हो? मैं, हाँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। दुखी? और दुखी मैं इतना हूँ। कितना? कि शायद तुम नहीं जान पाओगी मेरे दुख को। दुख बांटने से बढ़ता है, तुम मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा। कि यहाँ अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सिर का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो खुले शब्दों में कह दूं कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है। किसी जिसकी चमक निराली। अच्छा, बोस इसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। इसी एक साड़ी ला दो हो जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। बोस इसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद, तिलक, गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के, रक्षा मंत्री भारत के, बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो, अरे हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। पानी पहुंचाए रकाबे, पानी पहुंचाए पाली पोसे से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। पोसे से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। भाजपा के युवा नेता आदरणीय बड़े भाई सुनील कुमार तालान जी, जो इस देशभक्ति रचना पर खुश होकर के 500 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए दे रहे हैं, देशभक्ति रागिणी का सम्मान कर रहे हैं, तालान साहब का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। सोनू सिंह तंवर साहब, हम दोनों कलाकारों को 200 रुपए दे करके हम दोनों का नहीं बल्कि मेरे देशभक्तों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि देशभक्ति रागिणी हो रही है।
साहब सिंह तोमर साहब, वो भी हम दोनों कलाकारों को देशभक्ति रागनी पर 100 रुपए से सम्मानित करते हैं, बार बार धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह जलोखरी वाले, वो भी 100 रुपए से देशभक्ति रागनी का मान और सम्मान कर रहे हैं, शुक्रिया। भाभी ये तुम्हारा पहला पल्ला हो गया, जब तुम्हारा इतना जज्बा है तो मैं जानता हूं कि दूसरे पल्ले पर कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो आज का मेरा युवा नहीं जानता। बिल्कुल, उन युवाओं को, क्योंकि आज से पहले हमारे देश को, जो सबसे पहले हमारे देश का नाम था वो आर्यवर्त देश कहा करते थे। हाँ देवर। लेकिन उस समय उस जमाने में बड़ा मान भाव मेरे देश में था, लेकिन मेरे देश का एक बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा इतिहास भी रहा है। हाँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे राम और लक्ष्मण, अरे राम और लक्ष्मण राज छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हों, हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हों, जगदेव पमार काट के गर्दन दानव शीश चढ़ाते हों, जगदेव पमार काट के गर्दन दानव शीश चढ़ाते हों। चीर के लड़का किरसन का शेर जिमाते हैं, ना कुछ पहलाद भक्त को लाल खंब पकड़ाते हैं, राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हैं, राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हैं। आजादी कहो रे दिन आजादी कहो पूजे दिवाली बोसे से जानी याद हो जिसकी जमाते निराली। चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो, लाला राजपत राय लाहौर में पिटे हुए निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो। आजादी हाँ। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो हाँ। और लाल किले पे देवर जी, हाँ जी, लाल किले पे, लाल किले पे लिखवा दो मैं भूल जाऊंगा, लाल किले पे तिरंगा झंडा
लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी खड़ा उमंग में हो, मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो। भारत मां करे बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो। भारत मां का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो। रोड के नक्शे में साथ, रोड के नक्शे में रे सब दिखे हारी पारी बोसे सारी लाते हो।